अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी जो बहुत खाने में लजीज होगी और आपकी हर दिल अजीज़ होगी। अगर आप एक बार खाएंगे आपका दिल करेगा बार बार खाएं। इसमें हम ऑयल डालेंगे बहुत कम, 1.5 टेबल स्पून। और अब इसमें करेंगे प्याज, 1 अनियन जो हम कट लेंथ वाइज कटी हुई, मैंने आपको पहले भी बताया लेंथ वाइज कटी हुई अनियन जल्द से फ्राई होती है। अब जब तक अनियन फ्राई हो रही है मैं आपकी दूसरी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने तुरई ली है 1/2 किलो, पालक ली है 2 पत्ते, हरी मिर्च ली है 3 अदरक बारीक कटी हुई, टमाटर लिए हैं 2 अदरक बारीक कटी हुई चॉप के लिए, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉरी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। देखिए प्याज कितना खुश हो रही है सारे बच्चे। वाह कितनी प्यारी लग रही है प्याज। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें मिला लेंगे ग्रीन चिली को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद थोड़ा सा सफ़ाई करेंगे। अब इसमें डालेंगे तमाम मसाले, फ्राई करेंगे टमाटर, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा फ्राई करते हुए इसमें 1 टीस्पून वाटर डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर को बिल्कुल फ्रेश नहीं करेंगे क्योंकि उनको तुरंत के साथ बनना है। अब इसमें तुरंत ऐड कर देते हैं, तुरई में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने पानी से पक जाती है। तुरई खुद पानी रिलीज करेगी और उसी पानी से पक जाएगी। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 लीफ पालक की। आपने देखा इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून वाटर डाला है, अब वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हल्की आंच पे पकाने के लिए रखते हैं। देखते हैं तुरई कहाँ तक पहुँचे। ये तो बहुत साफ सी अच्छी सी कम मसालों में इतनी बेहतरीन तुरई बनी है, आप भी देखेंगे तो आपके भी मुंह में आएगा। अब इसको आप सॉफ्ट सी रोटी के साथ खा सकते हैं, रखे मूंग की गेहूँ वाली दाल की खिचड़ी बनाए उससे भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए डिलीशियस सी सब्जी आपके लिए तैयार है, आइए आप इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलिए जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी। अल्लाह हाफिज़।